बिल्कुल मृणाल, आप क्योंकि आपने अपने संघर्ष के बारे में बात की और किस तरीके का आपका स्ट्रगल रहा है, टीवी सीरियल से सिल्वर स्क्रीन पर आना और एज एन आउटसाइडर, वॉज इट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट तो बहुत कुछ है, आई एम श्योर आपके लिए भी ये जर्नी काफी डिफिकल्ट रही होगी. एक चीज जो मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहूंगी इज मैं पर्सनल लाइफ में आई हैव रियलाइज कि जितना मैं इन सारी चीजों पे गौर, यू नो, इफ आई एम्फसाइज मोर ऑन बहुत डिफिकल्ट है एंड ट्राई टू प्ले अ विक्टिम, आई वुड एंड अप फीलिंग बैड अबाउट इट. रादर फोकस ऑन कि मैं आज यहाँ तक आई हूँ. टीवी से मैंने फिल्मों में जर्नी मेरी, यू नो, लव सोनिया से लेके सुपर 30 से लेके अभी सीता रामम तक, सो आई एम हैप्पी अबाउट माय अचीवमेंट्स. और जो भी कहूँ ये मेरी अपनी जर्नी है, इसमें मुझे किसी ने ज़्यादा, मतलब आई एम श्योर आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव मेट मी एंड हेल्प मी, लेकिन मुझे ये फिल्म किसी के वजह से नहीं मिली. आई हैव गॉट इट ऑन माई ओन, आई हैव वर्कड हार्ड, परसिवियरेंस, पेशेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटर्मिनेशन, क्योंकि काफी लोग, काफी एक्टर्स वो खो देते हैं इन दैट जर्नी. उनको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सबका टाइम आता है और मेरा भी आया, सो आई एम हैप्पी. मृणाल का टाइम आया, लेकिन मृणाल मुझे वो कहानी में सुननी है कि पहली फिल्म जब आपको ऋतिक के ऑपोजिट सुपर 30 मिली, मतलब किसने आपको ये न्यूज दी और आपने सबसे पहले जाकर किसके साथ ये न्यूज शेयर की थी? बड़ा फनी किस्सा है ये. लव सोनिया के शूट के बाद मैं काफी ऑडिशंस दे रही थी और कोई फिल्में मुझे नहीं मिल रही थी और काफी प्रोड्यूसर्स डरे हुए थे कि लव सोनिया ये कैसी फिल्म है, यू नो, इसका नाम ही थोड़ा अजीब है, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इट इज गोइंग टू बी. और जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया, 2.5 साल हो गए थे लव सोनिया को रिलीज नहीं मिल, पीएनए के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे बिकॉज इट वाज अ हार्ड हिटिंग फिल्म. फिर बारी आई एक ऐसे फिल्म की, मतलब एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस से मैं मिली, एक ऐसे टीम से मिली, विकास बहल से, अनय सर से जो हमारे डीओपी थे उस फिल्म पर. 6-7 राउंड्स होने के बाद मुकेश छाबरा उनका कास्टिंग कर रहे थे, मैं थक गई थी. मैंने कहा मुझसे अब नहीं हो पाएगा, शायद मुझ में है ही नहीं. और मुझे याद है फैंटम के ऑफिस के नीचे मेरी i20 गाड़ी पार्क की थी जो मैं खुद ड्राइव करके आई थी. मैं इतनी इमोशनल हो गई थी उस दिन ऊपर जाने से पहले, क्योंकि आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि शायद नहीं होने वाला है. एंड आई क्राइड अ लॉट टू, आई कॉल्ड माई सिस्टर हु प्लेड प्रीति इन लव सोनिया, रिया को. मैंने कहा रिया मुझसे नहीं होगा. रिया ने कहा यू नो मृणाल, इतनी दूर तक आए हैं, एक और स्टेप, यू नो, जस्ट गो अप. एक और बार अगर वो कहे ऑडिशन देना है, जस्ट दे दो, बिग डील. मैं ऊपर गई, एक कैमरा था विकास सर के हाथ में और मैं सर से पूछ रही, सर आज कौन सा सीन परफॉर्म करना है? ही सर आज आपको सीन परफॉर्म नहीं करना है. आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू लीव. इज लाइक, क्योंकि आप सुप्रिया हैं, आप इस फिल्म की हीरोइन हैं. और वाह, मुझे एहसास ही नहीं हुआ. आई जस्ट केप लुकिंग एट हिम एंड आई वाज लाइक, सर जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो जाती मुझे यकीन नहीं होगा. और मैं आई वाज वेरी, आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. घर जाके गाड़ी में, इनफैक्ट मेरी सिस्टर को मैं पिक कर रही थी, मैंने उसको बताया और वो तो रो पड़ी. इतनी रोई, शी लाइक आई डोंट नो यू वुड वर्क ऑपोजिट लाइक सच बिग कास्ट एंड डायरेक्टर्स एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज चाहे वो रोल छोटा सा ही हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. हाँ, लेसन भी है इसमें सबके लिए, स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं. बिल्कुल, कि कभी भी नेवर गिव अप, दैट्स दी नेवर, दैट्स इज इट योर मंत्र ऑफ लाइफ, नेवर गिव अप. एंड आई फील लाइक व्हाट इज मेंट टू बी इट इज मेंट टू बी, वो आएगा आपके पास, सिर्फ थोड़ा पेशेंस चाहिए. आप मृणाल, लव सोनिया की हम बात कर रहे थे और हमने ये भी सुना है कि यू विद्या बालन को आप काफी चीज इंस्पिरेशन, क्या किस्सा है? कभी मुलाकात होती है, कभी कोई अप्रिसिएशन नोट? मैंने सुना है कोई एक अप्रिसिएशन नोट भी मिला था आपको उनसे. एक्चुअली विद्या मैम की वजह से काफी सारे टेलीविजन एक्ट्रेसेस के लिए उन्होंने वो गेट्स ओपन किए हैं और विमेन सेंट्रिक फिल्म्स उन्होंने किए हैं. एंड आई वुड लाइक टू थैंक विद्या मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. शी इज नॉट जस्ट माई इंस्पिरेशन बट द इंस्पिरेशन ऑफ द होल नेशन. सच्ची में वो शेरनी है और मैं उनके जैसा बनना चाहूंगी. जब भी उनसे मुलाकात होती है मैं उनको कहती हूँ कि मैम आई लव यू, आई रियली लव यू एंड आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ टेलिंग यू हाउ मच आई अडोर यू.
स्वीट, वी ऑल्सो एडोर यू. एक सवाल मेरा है इस पर कि क्या कोई आपका ड्रीम रोल है, या फिर जिस तरह की मूवीज विद्या बालन करती हैं उस तरह की मूवीज में आप भी आना चाहती हैं? जरूर. इनफैक्ट कुछ ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना है जो आज तक कभी बनी नहीं है. यू नो देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ बायोपिक्स, देयर इज अ ट्रेंड ऑफ फॉर्मूला फिल्म्स, कुछ ऐसा जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जिससे हम जो हमारे साथ हो रही है लेकिन हमें पता नहीं है. सो ऐसे सब्जेक्ट पे मुझे फिल्म बनाए, वो क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हर रोज वो ख्वाब है, वो तलाश मेरे, यू नो देयर इज समथिंग विद इन मी विच इज रियली वेटिंग फॉर दैट वन स्क्रिप्ट. पूजा मेरी जान एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो अगले साल रिलीज होगी. मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप ऐसे बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मुझे बोल रही हैं. जी एग्जैक्टली, ये फिल्म ही वैसी है, क्योंकि ये फिल्म हर लड़की को दे विल बी एबल टू रेजोनेट विद द फिल्म. बिल्कुल, ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग हैं.